गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मैं सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूँ SIU मुंबई डिवीजन की तरफ से कि आपने जो है हमारी आवाज़ पर जो है यहाँ पर आप हाजिर हुए और एक पॉजिटिव कॉज के लिए जो है आप यहाँ जमा हुए. तो SIU स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुंबई डिवीजन जो है 35 सालों से जो है इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में जो है कंटिन्यूस जो है स्ट्रगल करती आ रही है स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर, स्टूडेंट्स के मसाइल को लेकर. बहुत ही कम वक्त में मैं थोड़ी सी बात उसके साथ उसके ताल्लुक से आपके सामने रखता चलूँगा. SIU ने जो है स्टूडेंट्स के जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो मसाइल हैं, उसको जो है सोसाइटी के सामने लाने की कोशिश की हर बार और सोसाइटी को ये बताया है कि स्टूडेंट्स जो है किन मसाइल से दोचार होते हैं, कॉलेज में भी लिया जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते कि उसको जो है हमको जो है कामयाबी भी मिली और ये सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो स्टेप रहा. उसके बाद हम जो है अभी यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है जूनियर कॉलेजेस के लिए, तो इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं. तो हम मुंबई में जहाँ जहाँ SIU है काम करती है वहाँ पर उनके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरकर दे रहे हैं और बकायदा उनके कट ऑफ के हिसाब से और दीगर जो चीज़ें जो उनको ज़रूरी है उसके हिसाब से. आप देखते हो कि वहीं पर जो है वो सैकड़ों में जो है वो रकम साइबर के ज़रिए जो है स्टूडेंट से वसूल की जाती है. और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बल्कि एक बड़ी रकम जो है वो स्कूल्स को जो है इसके लिए दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ जो है सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में, बच्चों को नहीं पता है. तो हम उसके ज़रिए से उनकी मदद के साथ साथ हम उनको इस बात से भी आगाह कर रहे हैं कि एक बड़ी रकम स्कूल को जो है वो दी जाती है उनको हेल्प करने के लिए. फिर ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं जो कॉलेजेस में उनके साथ इंडिविजुअल तौर पर होते हैं. फिर आप जानते हो नजीब अहमद का इशू रहा, रोहित वेमुला का इशू रहा, तो इन सारे इश्यूज़ को जो हमने सोसाइटी के सामने रखने की कोशिश की. SIU का जो मिशन है वो यही है कि टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड यूथ इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्यों सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्टिव कामों पर नौजवानों को लगाने के लिए जो है हम स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए खड़े हैं. और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जब आप सोसाइटी से बहुत कुछ ले रहे तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले भी बने, ना सिर्फ आप उससे लेते रहे. तो SIU बेसिकली SIU इज अ लिंक बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी और उनके तौर हम उनके बीच में एक लिंक की हैसियत से काम करके जो स्टूडेंट्स के इशू है उसको सोसाइटी के सामने रखना चाहते हैं और जो सोसाइटी के इशू है उसको जो है स्टूडेंट्स के जरिए से हम हल करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं. तो डियर मीडिया पर्सन, स्पोक पर्सन, हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि ऐसे इस ये जो जमहूरी मुल्क है, ये जो डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जबान, अलग अलग तहजीब कल्चर के मानने वाले लोग हैं. तो ऐसे में जो इस मुल्क में इस आपने देखे होंगे कुछ वक्त पहले कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे जिसके ज़रिए से हम अलग अलग धर्म के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है. तो हम ये चाह रहे हैं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हम लोगों उसके लोगों के दिलों को दिलों से जोड़ना चाह रहे हैं, कनेक्टिंग द हार्ट्स एंड हम होल्डिंग ह्यूमैनिटी और इंसानियत को कायम करना चाह रहे हैं. तो इसी के तहत हमने जो एक मुहिम, एक कैंपेन, अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पूरी लॉन्च की है. इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए जाएंगे. तो मैं ये कुछ चीज़ें आपके सामने SIU के बारे में मैं एक आपके सामने बात करता चलूँ कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो 2009 में यूनेस्को की एक टीम आई थी, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग सर्वे कर रहे थे कि विच आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ वर्किंग इन इंटरफेथ डायलॉग. तो उसमें यूनेस्को ने 8 इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से SIU एक है जो पूरे वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेथ डायलॉग बिटवीन द यूथ. तो यूनेस्को ने 2009 में SIU को ऐसा एक दर्जा डिक्लेयर किया. अभी आगे ये कैंपेन के बारे में बीजी के लिए मैं हमारे मुंबई डिवीजन के प्रेसिडेंट ब्रदर उबैदुर रहमान को दावत दूंगा. तो आपके सामने कैंपेन का मकसद और कैंपेन इसकी है और ये तहजीब ऐसी है कि यहाँ पर डाइवर्स ओपिनियंस हैं, यहाँ पर कसीरुल मज़ाहिब, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स काम करते हैं. इसी वजह यही वजह रही कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कोशिश की गई कि रिलीजन के एतबार से, रिलीजन को उसका प्रचार करने के एतबार से तमाम लोगों को आज़ादी होगी. तो चूँकि ये एक अच्छी चीज़ है तो इसके ज़रिए से मोरल को समाज में लाने के लिए, मोरली अवेयर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल साबित होती है. अब दूसरी बात ये कि हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क की विभिन्नता और ये जो मुल्क का इस का ये जो कल्चर है, ये कल्चर पूरी दुनिया में तमाम के लिए एक बड़ी मशाले रहा है.
अब हम इस बात की तरफ आएँ कि हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा यंगस्टर रहते हैं। 65% ऐसे अफराद हैं, 65% लोगों की तादाद ऐसी है जिनकी उम्र 35 ईयर्स से नीचे होती है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स और यूथ्स अपने एज के मोस्ट एनर्जेटिक वे में, मोस्ट प्रोडक्टिव उम्र में होते हैं, जो कभी भी किसी वक्त में समाज को एक रुख देने का, एक डायरेक्शन देने का, समाज की को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस बात की तरफ आएँ कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए थी, चूँकि हमारा मुल्क विभिन्नता से बना है, अलग अलग यहाँ पर तहजीबें जन्म लेती हैं, और तहजीब होने के साथ साथ इसी वजह से इसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। लेकिन ये जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के विचारों का रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। इसकी एक वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो पोलराइजेशन का मामला हो रहा है, अब यकीनन ये चीज़ पॉलिटिकल एजेंडा के जरिए आए या फिर सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के जरिए जिस तरह ये चीज़ें टेकअप होती जा रही है, उसी जरिए कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा मुल्क इस चीज़ को फेस कर रहा है, और उसके ज़रिए हम एक चीज़ लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, किसके ज़रिए चीज़ टारगेट हो रही है, और माइनॉरिटीज़ इसके ज़रिए से बहुत बुरी तरीके से दबाई और कुचली जा रही है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो जस्टिस, जो इंसाफ, जो न्याय सब हर किसी को मिलना चाहिए था, वो न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, हम देख रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर गौर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कही है कि द कैंपसेस विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ इंडियन नेशन, कि कैंपस में पढ़ने वाले जो लोग हैं, ये जो चार दीवारियाँ हैं, यहाँ मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, नेशन को बिल्ड करने की तैयारी की जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक हरासा करने वाली कैफियत दिखाई दे रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खौफ का माहौल, सरासींगी का माहौल बरपा होता जा रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्टूडेंट्स के दिलों में एक घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो घबराहट का माहौल है, ये ख़त्म हो, और इंटरफेट डायलॉग के ज़रिए से, गुफ्तगु के ज़रिए से, कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर सकें। इसके अलावा चूँकि हम मल्टी रिलीजनल जो अलग अलग ज़बानों का प्रचार कर सकते हैं, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले, कई लगभग कमोबेश 500 बोलियाँ हमारे मुल्क में बोली जाती है, तो हमारे मुल्क की एक डाइवर्सिटी को जो है लोगों के सामने पेश करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो आकार है कि मतलब तराजू, टीका, दाढ़ी, टोपी, ये तमाम चीज़ें अपने विचार को, अपने ख्यालात को, अपने रिलीजन को पेश करने का एक मौका है, और इसके ऊपर हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारे दस्तूर ने, हमारे आईन ने जिसकी इजाज़त दी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो मेजोरिटिज़म हायल होता जा रहा है, हम जिसको इस एतबार से कहेंगे कम्युनल एग्रेशन जो आता जा रहा है, और कम्युनल एग्रेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ राइट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से हेट्रेड पॉलिसीज़ को जो है समाज के सामने उभरने का मौका मिलता जा रहा है। इसकी वजह से जो बड़ी अक्सरियत है, एक बड़ी तादाद मुल्क की है, वो मुल्क की तादाद अपने आप को दबाव की कैफियत में महसूस करती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ से, इस कैफियत से हम बाहर आएँ, और एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के ख्यालात को लोगों के सामने पेश करने का सबको मौका मिल सके। इसी के साथ हम इस बात को कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें तो चूँकि हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बनती जा रही है, तो इसके ऊपर एक ब्रेक लगाना हम लोगों को ज़रूरी है, और इस ब्रेक के लिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जिस एतबार से तालीमी इदारे अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देंगे, जिस एतबार से यहाँ के स्टूडेंट्स निकलेंगे, जिस एतबार से यहाँ के डिस्कशन करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उस एतबार से हमारा समाज, हमारा जो कल्चर है, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाला होगा। तो इस एतबार से हम चाहते हैं कि एक दूसरे के दरमियान में जो गैर समझ है, जो गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस को दूर करने का मौका मिले, और इसी ज़िमन में, इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मंथ लॉन्ग कैंपेन करने का तहिया किया है, इरादा किया है, जिसका नाम है कनेक्टिंग हार्ट्स अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी। हम इसके ज़रिए ये चाहते हैं कि आपस में जो दूरियाँ फैल गई हैं, और हम लोगों को इस चीज़ की तरफ हर किसी को आना चाहिए कि ये जो मुल्क है, ये एक दूसरे के मज़ाहिब को, बैनुल मज़ाहिब है, तमाम मज़ाहिब को जो है उसका रिस्पेक्ट करने वाला मुल्क है। तो ये जो चीज़ें हैं विचार के ज़रिए से, विचारों के आदान प्रदान के ज़रिए से, कम्युनिकेशन के ज़रिए से दूर होंगी। जिस तरह हम जितना एक दूसरे से बातचीत करेंगे, खुलकर डिस्कशन करने का जितना मौका मिलेगा, तो उतने ज़्यादा मिसकंसेप्शन हमारे दूर होते जाएंगे। अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि चूँकि हम इस्लाम, इस मज़हब से बिलोंग करते हैं, और इस्लाम की सबसे ख़ास बात है इसका पुरअमन होना, इसका पीसफुल होना, है ना, इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। इसी चीज़ की इसकी जो इस नौयत को हम लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं।
इसकी अहमियत को लोगों के सामने बयान करना चाहते हैं कि ये पीसफुल रिलीजन है और इसकी स्टडी करने की तरफ हम तमाम को बुलाना चाहते हैं। जब इसकी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पीस लवर्स हैं इनके ज़रिए हम किस तरह सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इसके तहत हमने की। तो इस कनेक्टिंग हार्ट्स अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी के ज़रिए हम समाज को तसव्वुर मसावात देना चाहते हैं कि हर किसी को ये बात बताना, जिस तरह कुरान मजीद में सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम मर्द जो है एक ख़ानदान से, एक कुंबे से बने हैं, है ना, तमाम के तमाम यकसा हैं। और ये जो यकसा है, हम इस चीज़ को सिर्फ हवा में नहीं कहते हैं बल्कि इसका मतलब ये है कि वी द पीपल जब हम कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अतबार से, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर कोई शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आस्तिक, नास्तिक और किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला हो, उसको यहाँ पर अपने बातों को पेश करने का पूरी आज़ादी है, अपने ख्याल को लोगों के सामने पेश करने की आज़ादी है और विचारों का लेन देन करने की उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस बात को, इस पैगाम को हम सोसाइटी के सामने पेश करना चाहते हैं और सोसाइटी में इससे बढ़कर जो तलबा बिरादरी है, स्टूडेंट्स के सामने इस चीज़ को हम रखना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाला कल है, हमारा भविष्य है, है ना, उनके भविष्य, उनके जहन को, उनके माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमको एक दूसरे के रिलीजन को समझने का मौका मिले। इसी के तहत हम ये कैंपेन कर रहे हैं और ये कैंपेन का एक थीम है कनेक्टिंग हार्ट्स अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटीज़। के ज़रिए से हम IKT एक नाम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसका एक टेस्ट है, इस्लामिक नॉलेज टेस्ट। इसके ज़रिए से हम एक इस्लाम की विचारधारा या फिर इस्लाम किस एतबार से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किस तरह से समाज के सामने एक अच्छाई को प्रमोट करता है, उसकी बातों को जो रखा गया है, उसके ज़रिए हम जो स्टूडेंट्स से गुजारिश करेंगे कि वो इस टेस्ट को अपियर करें और इंशाल्लाह उसके फिर हैंडसम प्राइजेस भी हम स्टार्ट में, एंड में जो देंगे एक प्रोग्राम करके। तो ये कुछ इसके कैम्प के बारे में बातें थी, तो जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कुछ बात करेंगी तो तुम रख दें। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि भारत जो एक गंगा जमनी तहजीब माना जाता है, लेकिन इसमें एक अरसे से, हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि इनटॉलरेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीमिज़म काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। इस वजह से जो माइनॉरिटी तबका है, वो माइनॉरिटी तबका अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर महसूस कर रहा है, खौफ और डर की जो एक कैफियत आ रही है। तो इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक लो वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी के ज़रिए से चीज़ों को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये जो डर और खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आ रहा है। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट क्योंकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है ना, फ्यूचर ऑफ नेशन है। तो ये फ्यूचर ऑफ नेशन के लिए अगर ये डर की, फियरफुल की अगर कैफियत आ जाएगी, तो वो आगे बढ़कर समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और डर के ज़रिए वो बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाएंगे। अब इसके ज़रिए ये हो रहा है कि हम एक दूसरे को, उनकी विचारधाराओं को जान नहीं पा रहे हैं। अब ये जो हेटरेट पॉलिसीज़ जो है लोगों के सामने आती जा रही है, इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से मतलब हम एक दूसरे को के करीब नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा आपस में हमारी कुछ मिसकंसेप्शंस आते जा रहे हैं, वो चाहे मिसकंसेप्शन रिलीजन को लेकर हो, हमारे तौर तरीकों को लेकर हो, रस्म रिवाज को लेकर हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें इसको, चूँकि ये चीज़ें डिस्कशन से ही दूर हो सकती हैं, हम जितनी एक दूसरे से बात करेंगे। एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि करीब आओ तो हमें शायद समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं, इन गलत फहमियों का इजाला हम करना चाहते हैं, इनको दूर करना चाहते हैं, और इनको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे से करीब आएँ, एक दूसरे को समझें। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बिल्कुल अमन के ज़रिए से फैला है, बिल्कुल पीसफुल रिलीजन है, और इस्लाम इससे बढ़कर, रिलीजन से बढ़कर ये एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। हम देखें कि ये हर एतबार से, हर चीज़ में, चाहे इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, मॉरली हो, हर चीज़ में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, हमको अच्छे से गाइड करता है। तो ये जो गाइडेंस की चीज़ें हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स तक, तमाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों तक, और इससे बढ़कर पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं। और इसी चीज़ को जानने के लिए हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, ये जो IKT हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जिसका थीम हमने रखा है कनेक्टिंग हार्ट्स अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी, कि हम दिलों से में हमारी जो बुराइयां हैं, जो चीज़ें हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस ब्रिज को हम किसी तरीके से फिल कर सकें और हम एक दूसरे के करीब आएँ, और ताकि चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। कनेक्टिविटी करने के लिए आपने क्या?
इस कनेक्टिविटी के लिए हम ये चाहेंगे कि हम स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे, हम कॉलेजेस में जाएंगे, कैंपसेस में हम इंटर करेंगे। अगर हमको कैंपसेस में सेमिनार की परमिशन मिलती है, सिंपोजियम की परमिशन मिलती है, तो वहाँ हम लेक्चर के जरिए से इस चीज़ को समाज के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ हम मुलाकात करेंगे और उनको इसके बारे में हम बताएंगे, और कुछ स्टडी मटेरियल हमारा होगा तो वो मटेरियल हम उनको इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे, और उससे उम्मीद ये की जाएगी कि आने वाले वक्त में ताकि वो उस चीज़ों को समझ सकें, और उसके ज़रिए से एक एग्ज़ाम वो देंगे, और वो एग्ज़ाम में अगर जो जिस तरह उसमें इंशाल्लाह 100 प्राइजेज़ होंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है कॉन्सोलेशन, इस तरह की हमने उसको रखा है, तो जो स्टूडेंट्स मतलब उसमें अच्छा अपीयर करेगा उसको इंशाल्लाह हम इनामत से भी नवाजेंगे। तो कहने मतलब ये है कि इसके ज़रिए से हमारे दरमियान में जो ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, गुफ्तगू होगी, कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी तो वो पूछेंगे, हमको कोई चीज़ उनके बारे में नहीं समझ में आ रही तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है ना, इस गैप को हमको ऐसा लगता है कि कम करने की, ख़त्म करने की एक ये पहल हो सकती है, इसको इनिशिएट करने की शुरुआत हो सकती है। मॉब लिंचिंग के बारे में मेरा तो ये कहना है कि मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल सिरे से नाकाबिल कबूल है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और चूँकि ये एक इंसान के होने के नाते, जिस तरह मैंने सूरह हुजरात की आयत पढ़ी थी, इंसान मतलब इस यूनिवर्स में हम देखें कि जो क्रिएटर ने सबसे अहम चीज़ जिसको पैदा किया है, क्रिएट किया है, वो इंसान है, और अगर इंसान के ऊपर जुल्म किया जाए, इंसान को भीड़ में जो है तशद्दुद का, मॉब लिंचिंग का अगर शिकार बना लिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी मुल्क की सोवरेनिटी के लिए, सालमियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये चीज़ हम ये चाहेंगे और हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे इस बात का कि हुकूमत इस चीज़ को रोकने की भरपूर कोशिश करे, ताकि ये जो चीज़ जो डर की कैफियत इसे जो है जनरेट होती जा रही है, इसको ख़त्म होने का मौका मिल सके। जी एक्चुअल में जो चीज़ें ओरिजिनल होती है, जो उसकी असल इंटेंसिटी के साथ लोगों के सामने पेश की जाती है, ठीक है। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ये देश आज़ाद होता तो अगर उस वक्त में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह होते तो लोग उसी पे ये कमेंट कर देते कि हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, लेकिन कोई भी जो है निकल के फील्ड पर नहीं आता। तो हम इस बात पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, वैसे तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम फील्ड पर आए, लोगों से मिले, जो गैप, जो ब्रिज गैप हमारे बीच में आ गया है, उस ब्रिज को जो है वो दूर कर दे, और हम उनसे मिलकर उनसे बात करें, उनको हम बताएं। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम जो है दीनुन नसी, कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ खैर ख्वाही है, हम हर एक के साथ जो है वो खैर ख्वाही का मामला करना चाहते हैं, एसआईओ के ज़रिए से हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ, हमारे इस मुल्क के भाइयों के साथ, कि ये जो कैंपेन रहेगी, ये कैंपेन मिसकंसेप्शन को कई दर्जे तक, जितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबके बीच में जो है एक जो मिसकंसेप्शन था अब तक इस्लाम को लेकर, वो इंशाल्लाह पूरी तरीके से दूर होगा। और रहा सवाल सोशल मीडिया का, तो उसके ज़रिए हम पब्लिसिटी तो ज़रूर कर रहे हैं, ये भी एक हमारा जो उसके लिए एक माध्यम है, मीडियम है, कि जिसके ज़रिए से हम जो है बात जो है सोसाइटी के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन फेक न्यूज़ और रूमर्स की जो अफवाह इतनी चलती है, तो उसके तहत हम नहीं ये चाहते कि हम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से एक उसकी असल इंटेंसिटी के मैसेज को डाइल्यूट करें, किसी वजह से डाइल्यूट हो जाए वो, और वो असल हकीकत में लोगों के सामने ना पहुँच पाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कोशिश पूरी तरह से ये कि जब हम उनसे मिलेंगे तो हम ये उम्मीद रख के मिलेंगे कि वो भी हमसे ज़रूर मिलेंगे। तो इस बात का हमको पूरा यकीन है कि हम इस कैंपेन के साथ जो है वो इंशाल्लाह एक पॉजिटिव स्टेप के साथ सोसाइटी में और कैंपसेस में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी जी आप जिस तरह से पीस, इस्लामिक पीस की जी जी, तो जो भी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी इस्लाम को पीस करके आगे पेश करता है, तो उसको उन लोग जो है ट्रेड कॉल्स करते हैं, सो मैनी हमने इंसिडेंट देखे जहाँ पे उन लोग उसको डिमोनाइज करते हैं, वो इंडिया के उस पर आते हैं। इस पे यही चीज़ है कि मतलब आप जो है इस तरह की चीज़ों को जब आप पसंद नहीं करते और आप हेट्रेट्स को पसंद करते, या आप सोसाइटी में जो है तशद्दुद को बरपा करने के लिए लोगों को ये सोचते कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, और ये सोचते कि वो रिलीजन के बेस पर जो इस तरह की चीज़ों को फैला रहा है, तो वो पहली चीज़ तो वो मुसलमान ही नहीं। मुसलमान का मतलब ये है, मुस्लिम का मतलब ये है कि वो अपने ईश्वर का, अपने खुदा का जो है वो फरमा बरदार है,
और इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि दीन जो है वो खैर पाई का नाम है, पीस है, अमन है, शांति है। तो अब जो शख्स शांति को जो है वो बिगाड़ रहा है तो वो मुसलमानों में से नहीं, वो इस्लाम में से नहीं। तो जाहिर सी बात है वो एक हेट्रेट को पसंद करने वाला है, और ऐसे शख्स चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, असल में वो धर्म को मानने वाला ही नहीं है, वो दूसरों को जो है वो जैसे पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग जी, बट दे आर डूइंग द हां ब्रेन वाज हाउ दे आर डूइंग ओके ओके एंड आफ्टर दैट ऑल द पीपल आर जस्ट विलिंग टू गो इन दैट। तो इसमें मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है वो एक्चुअल में जो है वो लोगों की जो तरबियत से खाली है, यानी कि उनकी सलाह करना, उनको बनाना, उनको संवारना, उससे खाली है। हमारा एजुकेशन हमको ये सिखाता है कि आप जितना दोगे उतना आप कमाओगे। हर कोई सर्विस देने से पहले ये सोचता है कि मुझे, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसमें मुझे कितना मिलेगा, है ना, तब मैं सर्विस दूंगा। तो हमको इस सोच को जो है ख़त्म करना होगा। और ये सोच कैसे ख़त्म होगी, ये सोच इस चीज़ को लेकर ख़त्म होगी कि जब आप सोसाइटी को कुछ देने वाले बनोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि हमको जो सोसाइटी से कुछ लेना है। और रहा सवाल जिनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो इस वजह से होता है कि आपने जो एजुकेशन पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया वो एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है आपके धर्म से एक सेक्युलर चीज़ पर लेकर जो है वो बनी हुई चीज़ है। उसमें स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपना मटेरियलिस्टिक माइंड बनाएगा, वो ये सोचेगा कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं IAS IPS ऑफिसर बन रहा हूँ, तो मैं बहुत मेहनत करके बन रहा हूँ, मुझे सोसाइटी से कुछ नहीं मिल रहा। और उसकी एजुकेशन भी जो उसको मिल रही है वो सिर्फ इसी तर्ज पे मिल रही है। उसको एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो इस बुनियाद पर मिलना चाहिए कि सोसाइटी ने तुमको आज तक क्या दिया, है ना, आपके रिलीजन ने आपको इस चीज़ को, इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए क्या कहा। हमको इस बात पर जो अपने आप को जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, हम इस बात को समझ। अगर आप धर्म को इंसानियत से हटा देंगे ना, तो इंसानियत जो है वो महज सिर्फ एक वक्ती तौर तक रहेंगी, और फिर वो उसकी ज़रूरियात के हिसाब से डाइल्यूट होती चले जाएंगी। जब उसको ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत यहाँ पूरी हो रही, तो वो अपनी इंसानियत को डाइल्यूट कर देगा, है ना। तो धर्म जो चीज़ सिखाता है इंसान को लेके, बस अफसोस इस बात का है कि धर्म को लेके जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं वो दुकानों को हमको समझना पड़ेगा, और उन दुकानों पर जो है वो ताला लगाने की ज़रूरत है। देखिए अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है इस देश का जो संविधान कहता है उस तरीके से हम जो है लोगों के सामने उसको जो है पेश करें, और हम हमको उम्मीद है कि हम जो पॉजिटिव स्टेप के साथ चल रहे हैं तो होंगी ये चीज़ें, आगे होंगी जिस तरीके से हम जिस लेवल पर पहुंचेंगे उस लेवल पर लोग जो है हमको इस तरह की चीज़ें पेश करेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो अच्छाई है उसके ज़रिए से हम बुराई को दूर करने की कोशिश करें, और इस्लाम भी यही कहता है।